सेक्स को जब मानव जाति के इतिहास से अलग नहीं कर सकते तो फिर हम सेक्स पूर्ति का नाम लेने से घबराते क्यों हैं? सेक्स तो इस संसार के हर प्राणी के अंदर है। सेक्स पूर्ति कर दूसरा नाम है वासना की आग ठंडा करना। आज की दुनिया में क्या हम काम वासना की आग को ठंडा करने के लिए हर समय तैयार हैं कि यह प्रकृति की देन है? क्योंकि यौन तुरुस्ती वासना की पूर्ति के लिए हमें कोई तो साधन चाहिए। आज का पढ़ा लिखा इंसान जो नई और पुरानी सभ्यता के बीच में बुरी तरह पिस रहा है, वे सेक्स के बारे में अज्ञानी होकर सेक्स की पूर्ति के लिए जब रातों को पानी से निकालनी मछली की भांति तड़पता है तो उनकी हालत दयनीय हो जाती है, परंतु कभी कभी उनके भयंकर परिणाम भी निकलते हैं। जैसा कि आजकल तो ये बात आम सुनने को पढ़ने को मिलता है कि किसी आदमी ने नाबालिग लड़की से बलात्कार कर लिया, किसी शरीफ लड़की की इज्जत बीच बाजार में लूट ली गई, किसी लड़की को बला फुसला कर उसे घर से भगाकर ले गया और कोठे पर ले जाकर बेच दिया गया। फिर यह बाधाएं भी शोभा बढ़ाने लगती है। कोई कुमारी लड़की माँ बन गई और उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। ऐसा प्रतीत होता है इस युग में सेक्स भी व्यापार और अपराध का बड़ा गढ़ बन चुका है। विशेष रूप से जब हम तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की ओर देखते हैं, उनके अंधकार में डूबे भविष्य की ओर देखते हैं तो बहुत दुख होता है। किंतु इस दुख से साथ साथ समाज को यह दृश्य नज़र आने लगता है, जबकि ये माँ बाप के बिना बच्चे बड़े होंगे तो इन्हें कौन गले लगाएगा, कौन इन्हें माँ बाप का प्यार देगा? जीवन भर ऐसे बच्चे प्यार के एक शब्द को भी सुनने के लिए तरप जाएंगे। शिक्षा भी यह कहाँ प्राप्त कर सकेंगे? शायद इनमें से कुछ चोर डाकू और तस्कर बन जाए। इनमें दोष किसका है? पति का यह पत्नी का अथवा होने वाले पति पत्नी का या तलाकशुदा पति पत्नी का? मैं समझता हूँ कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि उनकी संतान का भविष्य अंधकार में डूब जाए। नहीं, ये सब ठीक नहीं। ये दोष ना तो पति का है, ना ही पत्नी का, ना नर का है, ना नारी का। ये दोष है हमारे समाज का, हमारे समाज के ठेकेदारों का, जो लोग सेक्स शिक्षा के नाम से ही डरते हैं। यदि हम लोगों को सेक्स का ज्ञान दे सकें तो सेक्स से अपराध अपने आप समाप्त हो जाएगा। सेक्स की घुटन ही सबसे अधिक दोषपूर्ण है। अश्लील साहित्य और ब्लू फिल्म का चलन भी इस काम में सबसे बड़ा भागीदार है। समय पर शादी ना होना भी सेक्स अपराध को ही जन्म देता है। जिस लड़के लड़कियों की शादी ठीक समय पर नहीं होती, वे भी सेक्स के अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। सेक्स के विषय में यह बात जान लेनी चाहिए कि ये प्राकृतिक चीज है। जैसे तूफान अपने आप आते हैं, सागर का पानी हजारों फुट ऊंचा उछल जाता है, वर्षा होती है, बर्फ पड़ते हैं, मौसम बदलते हैं, ठीक वैसे ही मानव जीवन में आयु के अनुसार काम वासना सेक्स पैदा होता है। मानव जीवन का अपना एक इतिहास है। सेक्स विद्वान इस विषय में अग्नि परीक्षा के पश्चात जो ग्रंथ लिख चुके हैं, उनमें प्रसिद्ध नाम विद्वान फायर्ड का ये मत बिल्कुल महर्षि वात्स्यायन जी के मत से मिलता है कि वास्तव में नर नारी अपने आरंभ काल में ही एक ही शरीर के दो भाग थे जो आपस में जुड़े हुए थे। किसी कारणवश ये दोनों भाग टूटकर एक दूसरे से अलग हो गया। उसी के परिणाम स्वरूप इनमें से एक भाग नर और दूसरा भाग नारी बन गया। तब से अब तक में ये दोनों भाग एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। वात्स्यायन जी से पूर्व जिस महान विद्वान की चर्च है, वह तो इस
सबसे भिन्न माना जाता है। जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, भगवान ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उनके मन में यह विचार आया कि इनमें व्यवस्था कैसे बना कर रखी जाए। यही सोचकर उन्होंने 1,00,000 श्लोक में एक ग्रंथ की रचना की। इस महान ग्रंथ के अंदर मानव कल्याण के लिए धर्म, कर्म और काम संबंधित सारी शिक्षा दी गई थी। काम कला के विशेष में भगवान शंकर जी के शिष्य नंदी ने काम शास्त्र की रचना की। इस ग्रंथ में 1,000 अध्याय थे। इस ग्रंथ की महानता का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस संसार में शायद ही ऐसा कोई महान ग्रंथ होगा जिसमें काम कला के विशेष पर 1,000 अध्याय लिखे गए होंगे। विशेष रूप से उस युग में जबकि अभी मानव जीवन का आरंभ हो रहा था, किंतु काम शिक्षा सेक्स के विषय पर लिखा गया ग्रंथ इतना बड़ा और भारी था कि इसे उठाकर ले जाना बहुत भारी पड़ता था। इसीलिए महर्षि उद्दालक जी ने इस ग्रंथ को संचित करके एक नए ग्रंथ की रचना की, यानी उस नए ग्रंथ को केवल 500 अध्यायों में कर दिया गया। परंतु 500 अध्यायों का ग्रंथ भी तो ऐसा साधारण ग्रंथ नहीं था जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उठाकर ले जाया जा सकता था। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए पंचाल वह भव्य ने उसे और संक्षिप्त कर दिया और उस सारे ग्रंथ का सारांश केवल 150 अध्यायों में कर डाला। इस ग्रंथ को 7 भाग में बांट गया जो इस प्रकार थे। पहला साधारण, दूसरा शांत यौगिक, तीसरा कन्यास, चौथा भार्य अधिकार, पांचवा पारदरिक, छठा वैशिक, सातवा उपनिषद। पंचाली जी के इस काम विज्ञान ग्रंथ को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। इनका कारण एक तो यह था कि उसे संक्षिप्त कर दिया गया, दूसरा उनकी भाषा को काफ़ी सरल बना दिया गया। शायद यही कारण था कि इस ग्रंथ के आम लोगों को साथ साथ विद्वान भी काफ़ी प्रभावित हुए और इसी ग्रंथ के प्रेरणा लेकर उन्होंने काम शास्त्र पर कई ग्रंथों की रचना कर डाली। ऐसी ग्रंथ 7 के करीब थे। इस सब का मानव जाति से सीधा संपर्क था। आचार्य दत्तक के पाटलिपुत्र की वेश्याओं के अनुरोध पर वैशिक नाम के अधिकरण को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। इनके अतिरिक्त आचार्य चरायन ने साधारण अधिकरण पर, आचार्य सुवर्ण नाम से संपयोगिक अधिकरण पर और आचार्य कोरम मुख ने कन्या संप्रयुक्त अधिकरण पर, आचार्य पतंजलि ने भार्य लिद्धकरण पर, आचार्य गिनिका के पुत्र ने पारदारिक अधिकार पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। किंतु कितने दुख की बात है कि इस समय आचार्य वाभ्रव का बृहद ग्रंथ कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। लगता है विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे और धार्मिक ग्रंथों की भांति यह भी लूट लिया या फिर जला दिया गया। अब इस विषय में कोई भी विवाद व्यर्थ है, परंतु खुशी की बात तो यह है कि उसी ग्रंथ की नींव पर जितने भी ग्रंथ उनमें वही साथ साथ ग्रंथ संपूर्ण काम शास्त्र की विवेचना करने में समर्थ नहीं थे। ऐसे में आचार्य वात्स्यानंद जी ने इस 7 ग्रंथ को लेकर जिस महान ग्रंथ सार गमिता की रचना की, उसी महान ग्रंथ को काम सूत्र कहा जाता है। यही विश्व प्रसिद्ध काम कला का ग्रंथ है। इनकी नींव पर फ्रायड जैसे महान पश्चिमी विद्वान ने काम कला सेक्स के ऊपर जो ग्रंथ लिखे वे अत्यंत लोकप्रिय हुए, किंतु इस पर भी वात्स्यानंद जी का काम सूत्र आज हर भाषा में अनुवाद होकर लोकप्रिय हो चुका है। जब भी हम नर नारी अथवा पति पत्नी की बात करते हैं तो हमें काम कला
के इस महान विद्वान ब्रह्मानंद जी के याद आती है, जिन्होंने धर्म, अर्थ और काम को जीवन के तीन सार माने हैं। इसी तीनों की साधना में ही प्राणी का जीवन व्यतीत होता जाता है। हर प्राणी का सारा जीवन इस तीनों कर्मों के चारों ओर घूमता है। धर्म और अर्थ के साथ साथ काम को भी जीवन का सार मानकर इनके महत्व को स्वीकार किया गया। इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि धर्म और काम जीवन के विशेष अंग हैं? यदि धर्म को जीवित रखता है तो उनका सार समझना पड़ेगा। यदि आप धर्म और अर्थ दोनों का अर्थ समझ लेंगे तो इनका ज्ञान उस समय तक अधूरा रहेगा जब तक कि काम सेक्स का ज्ञान नहीं है। अब देखेंगे कि काम सेक्स क्या है। धर्म और अर्थ के पश्चात काम को ही जीवन में तीसरा स्थान प्राप्त है। इनका कारण यही है कि धर्म और अर्थ की मान्यताओं को और मर्यादाओं को स्वीकार किया बिना कोई नर नारी काम का अधिकारी नहीं हो सकता। धर्म का उल्लंघन और अर्थ की अपेक्षा में जिस काम को सेवन किया जाता है उसे कामाचार अथवा दुराचारी कहा जाता है। यही कारण है कि काम सेक्स के कुछ विषय बनाए गए हैं। धर्म पालन के लिए जिस प्रकार धर्मशास्त्र तथा अर्थ के ज्ञान के लिए अर्थ ज्ञान की अति आवश्यकता माना गया है, उसी प्रकार काम ज्ञान के लिए काम शास्त्र का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। इस बात को बहुत कम लोग सीना ठोककर कह पाते हैं कि जब भी कहीं काम कला की बात आती है तो लोग नाक सिकुड़कर माथे पर हाथ धरकर बल डालकर मुंह फेरकर आगे चल जाते हैं। कुछ आचार्य का यह भी मत है कि काम का अपना कोई अलग से महत्व नहीं और ना कोई स्वरूप है। यह तो एक साधारण सी बात है। जीवन में जैसे खाने पीने की ना तो कोई विशेषता है क्योंकि वह तो हमारे रोज का ही काम है, इसी प्रकार यह काम सेक्स है। जब पशु पक्षियों को किसी प्रकार के काम विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर इंसान ही काम ज्ञान के लिए इतना व्याकुल क्यों? सत्य बात तो यह है कि यह बात तो सेक्स के विषय को लेकर इंसान और पशु पक्षियों को अलग करती है। देखा जाए मानव पशुओं से गया गुजरा तो नहीं है। जो अपनी काम पूर्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जो लोग मानव जाति को पशु पक्षी के साथ जोड़कर उनके सेक्स को एक करने का प्रयास करते हैं और काम शास्त्र की योग्यता को ना मानकर कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी संभोग के लिए पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। उनकी नारियां मादा संभोग के समय तैयार होती है तो ही वे संभोग करते हैं, अन्यथा वे संभोग नहीं करते। वे लज्जित रेखा से बाहर हैं, जबकि जाति सभ्यता और लज्जित रेखा में बांधी हुई है। हम मानव और पशु पक्षी में यही तो अंतर है।